गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ आकांक्षा। आज की वीडियो में मैं सीरम का रिव्यू करने वाली हूँ और ये है लेवॉन का शेक एंड स्प्रे सीरम जो कि सैलो फिनिश देता है और दिस इज़ परफेक्ट फॉर नो शैम्पू डेज। तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है कि कई बार मैं 3-4 दिनों तक शैम्पू नहीं कर पाती हूँ, बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं, मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कोई भी आप स्टाइल करना चाहो तो वो नहीं हो पाती है। तो ऐसे केस में ये बहुत अच्छा काम करेगा। आज इसी का मैं रिव्यू करने वाली हूँ और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बालों को शैम्पू नहीं किया है, 3 दिन हो गया है मैंने शैम्पू नहीं किया है और फ्रिजी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ऐसे में आपको पता चल जाएगा जब मैं इसको अप्लाई करूँगी कि ये काम करता है क्या या नहीं। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं तो इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मतलब आप इसको कहीं पर देखोगे तो लगेगा कि एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। ये 2 साइज़ में अवेलेबल है, काफ़ी अफोर्डेबल है, बहुत अच्छे आपको डिस्काउंट्स इस पर मिल जाएंगे। और तो अब बात करते हैं सीरम क्लेम क्या क्या करता है। तो परफेक्ट फॉर नो शैम्पू डेज, फ्रिज फ्री बनाता है आपके बालों को, बालों में शाइन प्रोवाइड करता है, मैनेजेबल बनाता है, डल हो गए हैं बाल और ड्राई हो गए हैं ऐसे केसेस में ये काम करता है। ये जो सीरम है इसमें ग्लॉसर्स भी हैं, विटामिन बी है और फोर्टिफाइड वाटर है जिससे कि ये बालों को बहुत अच्छे से मैनेज करता है, शाइनी बनाता है। तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते। चलिए आप देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो जब ये बॉटल में ऊपर वाटर है और नीचे सीरम है, तो जब भी आप इसको यूज़ करें तो अच्छे से शेक कर लीजिए। हाँ, और शेक करने से पहले आप अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लीजिए। ये जो सीरम है ये आपको ड्राई हेयर पे अप्लाई करना है। नॉर्मली जो सीरम होते हैं उनको हम हल्के गीले बालों पे भी अप्लाई करते हैं, पर इसको ड्राई हेयर पे अप्लाई करना है। और इसमें लिखा हुआ है कि ये परफेक्ट है नो शैम्पू डेज के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शैम्पू करने के बाद इसको यूज़ नहीं कर सकते, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हमने यूज़ करके देखते हैं। इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तीखी है, मतलब आपको इससे इरिटेशन फील हो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे स्प्रे करके आराम से लगा सकते हो और इसको अच्छे से अपने पूरे बालों में स्प्रेड कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि ये जो नीचे होते हैं स्प्लिट एंड्स के कारण बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, तो आप इसको ऐसे नीचे भी अप्लाई कर सकते हो और कहीं भी आप पूरे बालों में अच्छे से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और स्प्रे होने के कारण एक और बेनिफिट मिल जाता है कि क्वांटिटी बहुत ही कम लगती है। तो मैं इधर नीचे इसको अप्लाई करूंगी और ऐसे मैंने अपने पूरे बालों पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया। तो अब आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसने बालों को फ्रिज फ्री बना दिया, काफ़ी मैनेजेबल हो गए हैं बाल। और अब मैं फिर से कॉम कर लेती हूँ। देखा आपने बाल कितने ज़्यादा मैनेजेबल लग रहे हैं, टैंगल फ्री हैं, शाइनी लग रहे हैं और कोई भी स्टाइल में आप कर सकते हो अपने बालों पे। तो ये सच में कमाल का काम करता है, एक बार तो आपको ज़रूर ट्राई करना ही चाहिए। ये सीरम बहुत अच्छा उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ज़्यादा घर से बाहर रहते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैवल करनी होती है और शैम्पू नहीं कर पाते हैं और बाल बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जो सीरम है ये अल्कोहल फ्री नहीं है, तो जब भी आप इसको यूज़ करते हैं अपनी आईज को क्लोज कर लीजिए या फिर ऐसे अप्लाई करें कि आपकी आंखों पे ना जा पाए, नहीं तो आपकी आंखों पे इरिटेशन हो सकता है। मैं इसको एवरीडे यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें एक तो ग्लॉसी पार्टिकल्स हैं, अल्कोहल है, तो ज़्यादा यूज़ मैं नहीं करती हूँ। पर ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है जब आपको शादी पार्टी में जाना हो, आपको आपके बालों में अच्छी फ्रेग्रेंस चाहिए और मैनेजेबल बाल चाहिए, आप बहुत दिनों तक बाहर हो या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हो, ऐसे केसेस में एक बॉटल आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और ऑफलाइन ईजिली आपको सुपर मार्केट्स वगैरह मॉल्स में आपको मिल जाएगा।
आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जल्दी से लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना जिससे जब भी मैं अपने वीडियोस अपलोड करती हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।